सो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को प्रीव्यू वीडियो? अगर गाइस आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक करके हमारे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो गाइस, इस वीडियो को एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको VN एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर गाइस आपके पास VN एप्लीकेशन नहीं है तो गाइस आप आसानी पूर्वक प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जानते गाइस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर VN एप्लीकेशन का लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस करो तो वीडियो को स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो सबसे पहले गाइस आपको VN एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और ओपन कर लेना। तो जब गाइस आप VN एप्लीकेशन को ओपन कीजिए तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ प्लस पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से गाइस आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से गाइस आपको एक वीडियो को ऐड कर देना है। इस वीडियो को गाइस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस वीडियो ऐड करना कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो गाइस आपको लास्ट में चले आना और यहाँ से गाइस आपके लोगो पे क्लिक करके और डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके गाइस इसको डिलीट कर देना है। ऊपर गाइस आपको ओरिजिनल पे क्लिक कर देना है और यहाँ से गाइस आपको 9:60 कार्ड रेशो से लेकर के फिर से गाइस आपको उसी पे क्लिक कर देना है। देन गाइस आपको यहां से प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना और यहां से गाइस आपको वीडियो फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करके और यहां से गाइस आपको इमेज को ऐड कर देना है। तो यहां से गाइस आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का इमेज को ऐड कर देगा। अगर गाइस आपके पास बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का इमेज नहीं है तो गाइस मैं ऑल टू ऑल इमेज को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँ, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से गाइस आप भी कुछ इस प्रकार से ऐड कर लीजिएगा। और ऐड करने गाइस आपको यहां से नीचे तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन गाइस आपको स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे चले आना और स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आने को गाइस आपको सॉन्ग को ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली गाइस सॉन्ग को ऐड करने के लिए आपको प्लस पे क्लिक कर देना है और यहां से गाइस वीडियो एंड फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करके और यहां से गाइस आपको सॉन्ग को ऐड कर देना है। इस सॉन्ग को गाइस मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूं, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस आपको यहां से स्क्रॉल करके और लास्ट में चले जाना और यहां से गाइस आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर से गाइस आपको सॉन्ग वाले वीडियो पे क्लिक करके और डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको गाइस डिलीट कर देना है। अब गाइस आपको सॉन्ग पे क्लिक करके और यहां से बीट्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करके स्क्रॉल करके गाइस आपको 7.5 सेकंड पे चले जाना है। तो यहाँ से गाइस आप 7.5 सेकंड पे आने के बाद एक बीट को ऐड कर देना है। फिर से गाइस आपको 8 सेकंड पे चले आना और 8 सेकंड पे आने के बाद आपको एक बीट को फिर से ऐड कर देना है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करना गाइस आपको 8.5 सेकंड पे आ जाना है और यहाँ से बीट को ऐड करके फिर से गाइस आप 9.5 सेकंड पे आकर के और फिर से गाइस आपको एक बीट को ऐड कर देना है। फिर से आपको एक बीट को ऐड कर देना। अब गाइस आपको 10 सेकंड पे चले आना और यहाँ से गाइस 10 सेकंड पे आने के बाद आपको बीट कर देना और यहाँ से गाइस आपको 10.5 सेकंड पे आने के बाद फिर से गाइस आपको एक बीट को ऐड कर देना है। अब यहाँ से गाइस आपको जहाँ जहाँ पहाड़ ऐसा नजर आ रहा है वहाँ पे गाइस आपको बीट को ऐड कर दे। तो कुछ इस प्रकार से गाइस जहाँ पे पहाड़ ऐसा नजर आ रहा है वहाँ पे आपको बीट को ऐड कर देने के बाद गाइस आपको यहाँ से आ जाना है 12 सेकंड पे और 12 सेकंड पे आने गाइस आपको एक बीट को ऐड कर देना है। फिर से गाइस आपको 12.5 सेकंड पे आकर के बीट को ऐड कर देना। अब गाइस आपको 13.5 सेकंड पे आकर के बीट को ऐड कर देना और यहाँ से गाइस आपको 14.5 सेकंड पे आकर के बीट को ऐड कर देना है और यहाँ से गाइस आपको 15 सेकंड पे आकर के बीट को ऐड करना है। उसके बाद गाइस आपको 16 सेकंड पे आकर के बीट को ऐड कर देना है। लास्ट में गाइस आपको 17 सेकंड पे आकर के बीट को ऐड कर देना और यहाँ से गाइस आपको बीट ऐड हो जाएगा। तो सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब गाइस आपको सॉन्ग के बीट्स के हिसाब से फोटो को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सिंपली गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, गाइस आपको नेक्स्ट वाला सॉन्ग के बीट पे क्लिक कर देना और यहाँ से गाइस आपको इस प्रकार से इमेज को कम करके और यहाँ से कर देना है। इस प्रकार से गाइस नेक्स्ट वाला सॉन्ग के बीट पे क्लिक करके और इस प्रकार से गाइस आपको कम कर देना है। यहाँ से गाइस आपको इसी प्रकार से अगले वाले सॉन्ग के बीट्स पे क्लिक कर देना और इमेज पे क्लिक करके इस प्रकार से गाइस आपको कम कर देना है। तो गाइस आप इस प्रकार से सॉन्ग के बीट्स के हिसाब से फोटो को एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से गाइस सॉन्ग के बीट्स के हिसाब से फोटो को एडजस्टमेंट कर लेने को गाइस जो भी इसमें से एक्स्ट्रा इमेज बच रहा है उस पर गाइस आपको डिलीट कर देना यहाँ से डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके। उसके बाद गाइस आपको स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे चले जहाँ से गाइस हमारा इमेज स्टार्ट होता है और यहाँ से गाइस आने के बाद आपको ऐसे क्या करना है कि यहाँ पे इमेज पे क्लिक करके एफएक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ से गाइस आपको यहाँ से जूम आउट वाले को ऐड कर देना है। तो यहाँ से गाइस आपको जूम आउट वाले को इस प्रकार से ऐड कर देना। फिर से गाइस आपको क्या करना है कि जूम आउट वाले को ही ऐड करना है। यहाँ से गाइस आप 4 इमेज में जूम आउट वाले को ऐड कर जिस प्रकार से हम इसमें कर उसी प्रकार से गाइस आप भी ऐड कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से गाइस फिर से नेक्स्ट वाले इमेज पे क्लिक करेंगे और एफएक्स पे क्लिक करके और यहाँ से गाइस फिर से आपको जूम आउट वाले को ऐड कर देना है। यहाँ से गाइस आपको जूम आउट वाले को क्लिक करके और इस प्रकार से गाइस ऐड कर देना है। तो गाइस आपको 4 इमेज में यहाँ से स्टार्टिंग वाले से 4 इमेज में आपको जूम आउट वाले को ऐड कर देना इस प्रकार से और सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ से गाइस आपको 6 इमेज में क्या करना है कि एफएक्स पे क्लिक करके और थोड़ा सा स्क्रॉल करना और स्क्रॉल करने के गाइस आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा जीटेल वाले पे क्लिक करते हैं। यहाँ से गाइस आपको 6 इमेज में जीटेल वाले पे क्लिक कर देना है और इस प्रकार से गाइस एफएक्स को आपको ऐड कर देना है। यहाँ से गाइस 2 इमेज में हो गया
है। अब यहाँ से गाइस थर्ड इमेज पे क्लिक करेंगे, एफएक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से गाइस आपको जिटर वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ से गाइस इसमें एफएक्स नहीं लग रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसमें इमेज पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको इमेज को खींच लेना गाइस इस प्रकार से, और फिर से एफएक्स पे क्लिक करना और यहाँ से गाइस आपको फिर से जिटर पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से गाइस आपको कर देना है और फिर से गाइस आपको नेक्स्ट इमेज पे क्लिक करके एफएक्स पे क्लिक करके और यहाँ से गाइस आपको जिटर को फिर से ऐड कर देना है। इस प्रकार से गाइस छह इमेज में है तो जिटर को ऐड कर दे। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको इमेज पे क्लिक करना है, एफएक्स पे क्लिक करना और यहाँ से गाइस आपको फ्लैश पे क्लिक कर देना है। यहाँ से गाइस जितना भी इमेज बचेगा सभी में गाइस आपको फ्लैश पे क्लिक करके और यहाँ से गाइस फ्लैश वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से गाइस आपको ऑल टोन में फ्लैश वाले को ही ऐड करना है। जहाँ से गाइस छह इमेज एंड होगा उसके बाद से आपको यही वाला ऐड कर देना है। तो इस प्रकार से गाइस आपको नेक्स्ट में जितना भी इमेज मिलेगा सभी में गाइस आपको फ्लैश पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से गाइस हो जाने के बाद आपको क्या फिर से नेक्स्ट वाले इमेज पे क्लिक करना है, एफएक्स पे ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से गाइस आपको फ्लैश पे क्लिक कर देना है और सही वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से गाइस आपको एफएक्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ से गाइस आपको फ्लैश पे क्लिक कर देना है और यहाँ से गाइस आपको इस प्रकार से खींच करके और यहाँ से सही वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर से गाइस आपको एफएक्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ से गाइस स्क्रॉल करके एफएक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फ्लैश पे क्लिक करके और सही वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। लास्ट में गाइस आपको एफएक्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ से गाइस आपको फिर से फ्लैश वाले पे क्लिक कर देना इस प्रकार से और सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब गाइस आपको स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे चले आना और यहाँ से जहाँ से इमेज स्टार्ट है वहाँ पे गाइस और यहाँ से आने के बाद गाइस आपको यहाँ से प्लस पे क्लिक कर देना है बीच वाले पे और यहाँ से गाइस थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है और स्क्रॉल करने गाइस आपको यहाँ से लाइटिंग वाले पे क्लिक कर और यहाँ से गाइस अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करें। यहाँ से गाइस आपको ऑल टू ऑल में ये ऑटोमेटिक लग जाएगा। उसके बाद गाइस आपको स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे चले आइएगा और स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आने के बाद गाइस आपको एक बार वीडियो को प्ले करके देख लेना है कि वीडियो किस प्रकार से बन चुका है। तो गाइस आप यहाँ से फुल वीडियो को देख लीजिएगा और गाइस यहाँ से फुल वीडियो को देखने के बाद गाइस आपको वीडियो को सेव करना पड़ेगा। सिंपली गाइस वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर तीर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से गाइस आपको सही वाला ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो को सेव कर देना है। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक करके हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।